सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सस, व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। आई एम साहिल मित्तल एंड यू आर वॉचिंग मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट। सो लेट गेट स्टार्टेड। ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस हमारे एक्जिलरी एरिया के अंदर पाया जाता है। जो हमारा एक्जिला एरिया होता है वहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस होता है। ब्रेकियल प्लेक्सस मेनली होता क्या है, इसके अंदर काफ़ी सारी नर्व्स होती है जो कि हमें हेल्प करती है, जो हमारी अपर लिम को क्या करती है, सप्लाई करती है, अपर लिम की मसल्स को मोटर और सेंसरी सप्लाई देती है। इससे मेनली हमें हमारी तीन इंपॉर्टेंट नर्व्स मिलती है, कौन कौन सी, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व और रेडियल नर्व। ब्रेकियल प्लेक्सस मेनली हमारा क्या होता है, इसके अंदर ये हमारे C5 से लेकर T1 तक जाता है, मतलब जो हमारी सर्वाइकल होती है, सर्वाइकल में हमारे 8 नर्व्स होती है। और जो थोरैसिक होती है, थोरैसिक जो फर्स्ट वाली नर्व होती है, मतलब सर्वाइकल की C5 से और थोरैसिक की T1 से। सर्वाइकल एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे क्या होता है, जो सर्वाइकल होती है उसके अंदर जो वर्टिब्राज होती है वो 7 होती है और जो इसके अंदर नर्व्स होती है वो 8 होती है। और जो थोरैसिक है, थोरैसिक में जो हमारा T1 होता है वो मेनली इसको क्या करता है, बनाने में हेल्प करता है। तो सर्वाइकल में मेनली हमारा क्या है, C5, C6, C7, C8 एंड T1। कई बार क्या होता है, कई बार हमारे जो C4 है और T2 है वो भी बनाने में क्या करते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अगर हमारा C4 इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है तो C4 का मतलब क्या है कि हमारा एक पहले इंक्लूड हो रहा है तो उसको हम कह देंगे प्रीफिक्स्ड। और अगर हमारा T2 इंक्लूड हो रहा है, मतलब T1 के बाद जो T2 आ रहा है, वैसे नॉर्मली इंक्लूड नहीं होता बट काफी बार क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है ब्रेकियल प्लेक्सस को बनाने में, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस। अब जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस है इसके काफी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, रूट्स ट्रंक डिवीजन कॉर्ड एंड ब्रांचेज। पहले हम बात करते हैं रूट्स की और ट्रंक की। जो रूट है, रूट में जैसे मैंने आपको बताया कि C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो पहले हम बात करते हैं C5 और C6। जो C5 और C6 है वो हमारा जो अपर ट्रंक है, अपर ट्रंक को बनाने में हेल्प करती है। और जो हमारी C7 है वो हमारी मिडिल ट्रंक को बनाने में हेल्प करती है। और जो हमारी C8 एंड T1 बच गई वो हमारी लोअर ट्रंक को बनाने में हेल्प करती है। अब जो ये है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे जो स्केलिन एंटीरियर एंड स्केलिन जो मीडियस मसल है उनके बीच में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। देन हम बात करते हैं इसकी डिवीजन की। अब हर एक जो ट्रंक होती है वो अपने अंदर से कुछ एक डिवीजन्स निकालती है, वेंट्रल और डोर्सल डिवीजन्स, जो कि क्या करती है, जो हमारे आगे जो कॉर्ड्स होती है कॉर्ड्स को बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। देन हम बात करते हैं इसके अंदर कॉर्ड्स की। अब इसके अंदर हमारे मेनली 3 कॉर्ड्स पाई जाती है, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। पहले हम बात करते हैं लेटरल कॉर्ड की। जो लेटरल कॉर्ड है, लेटरल कॉर्ड किससे बनती है, लेटरल कॉर्ड जो वेंट्रल डिवीजन होती है हमारी अपर ट्रंक की और जो मिडिल ट्रंक की वेंट्रल डिवीजन होती है उससे हमारी लेटरल कॉर्ड बनती है। देन हम मीडियल कॉर्ड की बात करें तो मीडियल कॉर्ड हमारी किससे बनती है, मिडिल कॉर्ड बनती है जो कि हमारी पोस्टीरियर ट्रंक की जो वेंट्रल डिवीजन है उससे हमारी मीडियल कॉर्ड बनती है। और अगर हम इसके अंदर बात करें पोस्टीरियर कॉर्ड की, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी जो तीनों ट्रंक की डोर्सल डिवीजन से क्या बनती है, हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड बनती है। ये बात करी भी हमने हमारी इसकी रूट्स की, डिवीजन, ट्रंक, कॉर्ड। अब हम बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस की। ब्रांचेज में सबसे पहले हम रूट्स की ब्रांचेज की बात करते हैं। जो ब्रांचेज होती है वो हमारी रूट से भी निकलती है, ट्रंक से भी निकलती है, कॉर्ड से भी निकलती है। पहले हम बात करते हैं जो हमारी रूट्स की ब्रांचेज होती है। रूट्स में मेनली हमारी 3 ब्रांचेज इसके अंदर निकलती है, कौन कौन सी, पहली होती है नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, दूसरी होती है नर्व टू रोम्बोइड और तीसरी होती है ब्रांच टू स्केलिन या फिर लॉन्गस कोलाई मसल। पहले हम बात करते हैं जो हमारी नर्व टू सेरेटस एंटीरियर है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो नर्व टू सेरेटस एंटीरियर है वो हमारी सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है। और जो इसकी रूट वैल्यू है, रूट वैल्यू क्या होती है इसकी, C5 to C7, मतलब ये किससे बनती है, C5, C6 एंड C7 मसल से। जो दूसरी मसल होती है, जो दूसरी इसके अंदर नर्व होती है, जो ब्रांच होती है वो कौन सी होती है, वो इसके अंदर होती है नर्व टू रोम्बोइड। इसके भी नाम से पता चल रहा है कि ये जो हमारी किसको सप्लाई करेगी, रोम्बोइड माइनर को और रोम्बोइड मेजर को। और ये किससे बनती है, ये सिर्फ हमारी C5 से बनती है, जो हमारी C5 रूट होती है सिर्फ उससे बनती है। जो तीसरी इसके अंदर ब्रांच आती है वो कौन सी आती है, नर्व टू, या फिर हम कह सकते हैं ब्रांच टू लॉन्गस कोलाई, या फिर क्या हो सकता है ब्रांच टू जो हमारी स्केलिन मसल होती है उसको। तो ये क्या होती है, ये हमारी स्केलिन मसल को क्या करती है, सप्लाई करती है। और जो इसकी रूट वैल्यू होती है वो होती है C5, C6, C7 एंड C8, मतलब C5 to C8 से क्या होती है, ये बनती है।
देन इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट आता है वो उसके अंदर हम बात करते हैं इसकी ब्रांचेस टू ट्रंक, मतलब जो हमारी ट्रंक से जो ब्रांचेस निकल रही है इसकी वो कौन कौन सी होती है। ट्रंक से मेनली हमारी दो ब्रांचेस इसके अंदर निकलती है, पहली होती है आप कह सकते हो कि नर्व टू सुप्रा स्कैपुलर या फिर क्या कह सकते हैं ब्रांच ऑफ सुप्रा स्कैपुलर, या और जो दूसरी होती है दूसरी इसके अंदर कौन सी होती है सबक्लेवियस। तो जो पहली होती है वो कौन सी होती है, जो सुप्रा स्कैपुलर वाली है वो सप्लाई करती है हमारी इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रा स्पाइनेटस मसल को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी रोटेटर कफ मसल्स भी हम कह सकते हैं। तो इसके अंदर कौन सी है, जो सुप्रा स्कैपुलर है वो हमारी सप्लाई कर रही है सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को, और जो इसकी रूट वैल्यू है वो क्या होती है C5 और C6, मतलब ये हमारी C5 और C6 दोनों से बनती है। जैन तो दूसरी इसके अंदर ब्रांच होती है वो होती है नर्व टू सबक्लेवियस, ये क्या करती है हमारी सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करती है, और जो इसकी रूट वैल्यू है वो भी हमारी क्या होती है C5 और C6, मतलब ये भी हमारी C5 और C6 से बनती है। तो हमने अभी बात करी है रूट्स की जो ब्रांचेज होती है और ट्रंक की जो ब्रांचेज होती है, अब हम बात करते हैं कॉर्ड्स की जो ब्रांचेज। आपको पता है मेनली हमारे तीन टाइप्स की कॉर्ड होती है, एक होती है लेटरल कॉर्ड, मीडियन कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। तो जो हम पहले बात करते हैं जो हमारी लेटरल कॉर्ड होती है उसकी ब्रांचेस की, उसके अंदर से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती है, इसके अंदर मेनली हमारी तीन तरह की ब्रांचेस होती है, एक होती है लेटरल पेक्टोरल, दूसरी होती है इसके अंदर लेटरल रूट ऑफ मीडियन, एंड जो तीसरी होती है मस्कुलोक्यूटेनियस। और जो इन सब की जो रूट वैल्यू होती है वो होती है C5 to C7, मतलब ये किससे बनती है C5 C6 C7, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, ये बनती है। अब हम पहले बात करते हैं इसके अंदर जो लेटरल पेक्टोरल होती है उसको किसको सप्लाई करती है, लेटरल पेक्टोरल मेनली किसको सप्लाई करती है हमारी जो हमारी पेक्टोरलिस माइनर और जो पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है इन दोनों को सप्लाई करती है। और जिसकी रूट वैल्यू होती है, रूट वैल्यू कितनी होती है इसकी, वही सेम C5 C6 एंड C7, मतलब C5 to C7। एंड जो दूसरी होती है इसके अंदर दूसरी होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नर्व होती है हमारी जो फ्रंट होती है आर्म की, उसको ये सप्लाई करती है कोरेको ब्रेकियलिस मसल को, बाइसेप्स ब्रेकियाई लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड को, और साथ साथ में किसको सप्लाई करती है, ये हमारी ब्रेकियलिस मसल को सप्लाई करती है। और ये तीनों ही मसल मेनली हमारी फ्लेक्शन कराने में क्या करती है, हेल्प करती है। देन इसके अंदर जो तीसरी वो होती है वो हमारी कौन सी होती है, लेटरल रूट ऑफ मीडियन, और जो हमारी कोरेको ब्रेकियलिस है उसकी जो रूट वैल्यू है वो भी C5 to C7 होती है। जिसके अंदर तीसरी नर्व आती है वो होती है लेटरल रूट ऑफ मीडियन। अब ये जो रूट होती है ये क्या करती है, ये आगे जाके मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व को क्या करती है, ज्वाइन कर लेती है, और क्या बनाती है, जो मीडियन नर्व होती है, मीडियन नर्व काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नर्व होती है हमारी किसकी, फोरआर्म का जो एंटीरियर पार्ट होता है उसी, मतलब जो हमारी फ्लेक्सर मसल्स होती है, जो कि फ्लेक्सर्स और जो थिनार मसल्स होती है हमारे हैंड के अंदर, उनको क्या करती है, सप्लाई करती है। देन इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी दूसरी मीडियन कॉर्ड के अंदर हमें कौन कौन सी ब्रांचेस देखने को मिलती है। तो इसके अंदर जो हमारी पहली आती है मीडियल पेक्टोरल मसल, इसकी जो रूट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, C8 एंड T1। अब ये क्या करती है, ये हमारी पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर को क्या करती है, सप्लाई करती है। जो इसके अंदर दूसरी मसल आती है, दूसरी मसल कौन सी आती है, दूसरी नर्व इसके अंदर कौन सी आती है, वो होती है हमारी मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब ये क्या करती है, ये जैसे कि हमने पहले बताया कि लेटरल रूट को, जो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व है उसको जाके क्या करती है, ज्वाइन कर देती है, और आगे जाके क्या करती है, जो मीडियन नर्व होती है बहुत इंपॉर्टेंट नर्व होती है, जो कि हमारी जो फोरआर्म होती है, फोरआर्म की जो मसल्स एंटीरियर साइड में जो मसल्स होती है, जो फ्लेक्सर्स मसल होती है, जो कि हमारी एल्बो की या रिस्ट की फ्लेक्शन कराने में हेल्प करती है, मेनली जो रिस्ट की जो फ्लेक्शन कराने में हेल्प करती है, जो थिनार मसल्स होती है आगे हैंड के अंदर, उनको सप्लाई करती है। जो इसकी तीसरी ब्रांच होती है वो कौन सी होती है, हमारी मीडियन क्यूटेनियस नर्व फॉर्म। अब ये क्या करती है, ये हमारी मोटर नहीं है, ये हमारी सेंसरी नर्व है, ये क्या करती है, सेंसरी इंपल्स को लेती है कहाँ से, जो हमारा स्मॉलर एरिया होता है एंटीरियर आर्म का, उसको क्या करता है, जो मीडियन आर्म का जो हमारा स्मॉलर एरिया होता है वहाँ से सेंसरी इंपल्स लेती है। जो चौथी नर्व होती है वो कौन सी होती है, मीडियन क्यूटेनियस नर्व फोरआर्म, ये क्या करती है, ये भी हमारी सेंसरी इंपल्स लेती है कहाँ से, जो हमारी मीडियन साइड होती है फोरआर्म की वहाँ से। और इन सब की जो रूट वैल्यू होती है वो सेम होती है C8 to T1, मतलब जो हमारी लेटरल कॉर्ड थी उनकी रूट वैल्यू सेम थी C5 to C7, और जो हमारी मीडियल कॉर्ड है इनकी रूट वैल्यू सेम है C8 एंड T1। अब हम बात करते हैं जो कि हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेज होती है वो कौन कौन सी होती है। अब पोस्टीरियर कॉर्ड में हमारी मेनली चार ब्रांचेज होती है, कौन कौन सी ब्रांचेज आती है इसके अंदर, इसके अंदर पहली ब्रांच आती है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व होती है और सबसे ज़्यादा थिक ब्रांच होती है पोस्टीरियर कॉर्ड की, या हम कह सकते हैं कॉर्ड की। जो रेडियल नर्व होती है, रेडियल नर्व किसको सप्लाई करती है, जो रेडियल नर्व होती है वो ट्राइसेप्स के तीनों हेड को सप्लाई करती है, और साथ साथ में जो भी हमारी फोरआर्म के अंदर एक्सटेंसर मसल्स होती है, जो कि हमारी रिस्ट की एक्सटेंशन कराने में हेल्प करती है, उनको सप्लाई करती है। और जो इसकी रूट वैल्यू है, रूट वैल्यू क्या है इसकी, C5 C6 C7 C8 एंड T1, मतलब C5 to T1 इसकी क्या है, रूट वैल्यू है। जो इसके अंदर दूसरी नर्व आती है वो होती है हमारी एक्सिलरी नर्व। जो हमारी एक्सिलरी नर्व होती है इसकी जो रूट वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी
C5 टू C6 इसकी क्या होती है, हमारी रूट वैल्यू होती है। और एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई करती है, ये मेनली हमारी जो डेल्टोइड मसल होती है, डेल्टोइड मसल को सप्लाई करती है, और साथ साथ में जो टीरिस माइनर और टीरिस मेजर मसल होती है उसको सप्लाई करती है। देन इसके अंदर जो हमारी तीसरी नर्व होती है वो होती है नर्व टू लैटिसमस डोर्साई, इसकी जो रूट वैल्यू होती है वो होती है C6 टू C8, और ये किसको सप्लाई करती है, ये लैटिसमस डोर्साई मसल को क्या करती है, सप्लाई करती है। देन हमारी जो इसके अंदर नेक्स्ट मसल आती है, वो जो नेक्स्ट नर्व आती है वो कौन सी होती है हमारी, इसके अंदर लोअर सबस्कैपुलर, ये क्या करती है, अपर सबस्कैपुलर नर्व को क्या करती है, हेल्प करती है सबस्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करने के लिए। और जो इसकी रूट वैल्यू होती है वो होती है C5 एंड C6। एंड इसके अंदर साथ साथ में हमारी एक और नर्व आती है, वो कौन सी होती है, नर्व टू अपर सबस्कैपुलर, जो कि क्या होती है लोअर सबस्कैपुलर के साथ में सबस्कैपुलरिस मसल को क्या करती है, सप्लाई करती है। और इसकी भी जो रूट वैल्यू है वो होती है C5 एंड C6। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, कमेंट योर फीडबैक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू मेक देम लर्न। थैंक यू।